महाराष्ट्र के बुलढाणा के समृद्धि महामार्ग पर हादसा हुआ है। नागपुर से पुणे जा रही थी बस में, जिसमें आग लग गई और हादसे में 25 लोगों की मौत बताई जा रही है। बस में 33 लोग सवार थे। करीब रात 1:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। जब आग लगी तब यात्री बस में सो रहे थे। ही घटना सदर 1:30 वाजेच्या सुमारास घडलीत आणि गावकऱ्यांचे ज्या टायमाला 108 ला फोन आले त्यानंतर आम्ही ॲम्ब्युलन्स सहित ताफ्या सहित आम्ही फायर ब्रिगेडच्या गाड्या इथे सर्व पोहोचलेलो आहोत। और ये जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भीषण आग दिखाई दे रहा है और 33 में से 25 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह वहां मौजूद हैं। सुनील, क्या हादसा जो हुआ है उसके बारे में बताएं, क्या वजह रही है, जो टायर फटने की बात कही जा रही है। और जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने इस इलाके में पहले भी इस तरह के हादसों की बातें सुनी थी। बिल्कुल विमल जी, ये समृद्धि महामार्ग जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो हादसों की वजह होती है वो होती है स्पीड। बहुत ज्यादा लोग तेज गति से चलाते हैं और चूंकि अभी पूरी तरह से बाढ़ नहीं लगी है तो अचानक से कई जानवर आ जाते हैं, तब वो हादसे ज्यादातर हुए हैं। लेकिन ये जो हादसा अभी हुआ है बहुत ही दुखद है, जो रात को 1:30 बजे कल हुआ, बुलढाणा के पास सिंध खेड़ाराज एक जगह है, वहीं पर ये हादसा हुआ जिसमें कि बस जो है नागपुर से पुणे आ रही थी। ड्राइवर चूंकि इस हादसे में बच गया है, उसने जो बताया है कि बस जो है कि उसका टायर फट गया और टायर फटने की वजह से बस पलट गई और बस पलटने से जो डीजल टैंक था वो फट गया और उसके बाद उसमें आग पकड़ ली और आग इतनी बुरी तरह से फैल गई कि जो यात्री जो बैठे थे किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला, आग ने पूरा पकड़ लिया था। लेकिन किसी भी तरह से 8 लोग बचाए जा चुके हैं। तो अभी जो जिले के SP हैं सुनील से कड़ासने से बात हुई है, उनका कहना है कि हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग जिंदा हैं, उसमें से कुछ अस्पताल में हैं जिनका कि इलाज किया जा रहा है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ड्राइवर जो कह रहा है वो कितना सही है, क्योंकि बस को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जल चुकी है, टायर भी जल चुके हैं, तो जो दावा कर रहा है वो कितना सही है कह पाना मुश्किल है। वो कहीं टकराया, जैसे ये भी बात आ रही है कि शायद वो डिवाइडर से टकराया उसके बाद टायर फटा, तो ये और इसमें बस ड्राइवर की गलती है क्या है, ये सभी जांच का विषय होगा उनका कहना है। लेकिन अभी जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक कि टायर फटने से बस पलटी और फिर उसमें आग लग गई। लेकिन इससे भी बड़ी एक चुनौती जो पुलिस के सामने अब है जी, कि आप देखेंगे तो जो 25 लोग हैं वो बस में ही रह गए थे, उन्हें बाहर नहीं निकाला जा चुका था और पूरी तरह से जल चुके हैं, तो अब उनकी पहचान करना और पहचान करके जो शव हैं उनको उनके रिश्तेदारों तक देना ये बड़ी चुनौती है। तो अभी फिलहाल तो आग पे काबू पा लिया गया था रात में और अब बस को अब हटाया जा रहा है, पहले हाईवे क्लियर किया जाएगा और उसके बाद अब जो रिश्तेदार वगैरह पहुंचेंगे तो फिर आगे जो DNA सैंपलिंग लेके भी शायद ही तभी जाकर शायद इन लोगों की पहचान हो पाए और उन्हें उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाया जा सके। ये जानकारी मिली है कि विदर्भ ट्रेवल्स की कोई कंपनी है, निजी है, उसकी ये बस थी जिसमें कि नागपुर से पुणे की तरफ जाने के लिए चली थी। इसमें कुल 32 के आसपास लोग शायद बैठे थे, 30 के आसपास यात्री थे जो कि अधिकृत तौर में शायद किसी एक और दो पैसेंजर को ड्राइवर ने और कंडक्टर ने बिठाया था, ये भी एक जानकारी उभर कर आ रही है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा फिलहाल 37 का है बस में और 25 लोगों की मौत की बात की पुष्टि पुलिस ने की है। जी सुनील, जिस तरह की बसें, हालांकि बहुत तस्वीरें साफ नहीं है लेकिन फिर भी क्या इस बस में किस तरफ इंजन होता है, क्या गैस का है, डीजल का है, किस तरह की बस है कि अगर आग लगती है तो कोई बाकी जैसे पहले भी घटनाएं हुई थी तो दूसरी तरफ से या दूसरे दरवाजों से यात्री नहीं निकल पाए। देखिए अभी जो पुलिस से बात हुई है, जिले के SP ने जो बताया है कि ड्राइवर का ऐसा कहना था कि टायर फटा और बस पलट गई और डीजल का जो टैंक था वो भी फट गया और उसके बाद ही आग लग गई। तो अभी तक की जानकारी में कि ये डीजल से चलने वाली बस थी, यही जानकारी मिल पाई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है और उसके बाद ही पूरी तफ्तीश, उसकी जांच पूरी होने के बाद ही असली जो है तस्वीर या बात हमारे सामने आएगी कि हादसा कैसे हुआ और कौन उसके लिए जिम्मेदार है।